निकाय चुनाव का भी परिणाम आ गया है। पहले से अनुमान था कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र का चुनाव है और शहरी क्षेत्र के वोटर लगभग बीजेपी माइंडेड है। लेकिन यूपी को भगवा मय दिखाया जा रहा है, योगी का जलवा दिखाया जा रहा है। पूरा लग रहा है कि फिर एक बार जो है कर्नाटक के चुनाव के हार का माहौल जो है यूपी की जीत पर बनाया जा रहा है। सबको पता है कि निकाय चुनाव से सरकारें नहीं बदलती, तो आम जनता का भी बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो 4-5 महीने की देरी है, पता चल जाएगा लोकसभा चुनाव में कि क्या जलवा है यूपी में भाजपा का और आगे क्या होने वाला है। जीत का असली मतलब वो तब समझ में आएगा जब अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को आप वरीयता दें। ये नगर निकाय का चुनाव भी एक राजनीतिक नर्सरी है पार्षदों के लिए। संघर्ष न्यूज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष यूट्यूब न्यूज चैनल। निकाय चुनाव का भी परिणाम आ गया है। जैसा कि पहले से अनुमान था कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहेगा, वो इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी दुर्दिन में थी उत्तर प्रदेश में, जब इसके पूरे प्रदेश में 35-40-50-55-57-60 के अंदर विधायक जीते थे, तब भी निकायों पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, मेयर हमेशा भाजपा का ही रहे हैं। अपवाद एकांत को जीत जाए तो जीत जाए, क्योंकि शहरी क्षेत्र का चुनाव है और शहरी क्षेत्र के वोटर लगभग बीजेपी माइंडेड है। लेकिन अब फिर गोदी मीडिया ने देखिए तो जो है रिजल्ट आया है, लेकिन यूपी को भगवा मय दिखाया जा रहा है, योगी का जलवा दिखाया जा रहा है। पूरा लग रहा है कि फिर एक बार जो है कर्नाटक के चुनाव के हार का माहौल जो है यूपी की जीत पर बनाया जा रहा है कि नहीं नहीं, जबकि सबको पता है कि निकाय चुनाव से सरकारें नहीं बदलती हैं, तो आम जनता का भी बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है। निकाय का चुनाव सभासदी का हो, चाहे वो मेयर का हो, नगर पालिका अध्यक्ष का हो, ये एक लोकल चुनाव टाइप का चलता है जिसमें व्यक्ति विशेष को ज्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन चूंकि पार्टी सिंपल एलाट है तो इसलिए पार्टी का नाम भी होना चाहिए और होता भी है और हो रहा भी है। लेकिन इसको जो महिमा मंडित किया जा रहा है कि भाजपा का यूपी में पूरा साम्राज्य जैसे पहले था वैसे आज भी है, तो एक कहावत है ना बहुत पुराना, जिसका बाप जिंदा वो हरामी का है। तो 4-5 महीने की देरी है, पता चल जाएगा लोकसभा चुनाव में कि क्या जलवा है यूपी में भाजपा का और आगे क्या होने वाला है। और मैं नवनियुक्त सभी पार्षदों को, मेयरों को और नगर पंचायत अध्यक्षों को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं और आप लोग अपने जीत का असली मतलब हो तब समझ में आएगा जब अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को आप वरीयता दें। और निश्चित रूप से नगर निकाय का चुनाव एक तरीके से राजनीतिक की नर्सरी मानी जाती है, जैसे छात्र संघ राजनीति को माना जाता है, जैसे सभासद होते हैं फिर विधायकी लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये नगर निकाय का चुनाव भी एक राजनीतिक नर्सरी है पार्षदों के लिए। भाई मेयर तो बड़ा पद है, मेयर भाई शहर का प्रथम आदमी होता है, लेकिन मिला जुला के फिर यही कहना है कि जिस तरह से माहौल बनाकर उत्तर प्रदेश में आम जनता को ये भौकाल बाजी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये मीडिया का जो चरित्र है एक बार पुनः साबित कर रहा है कि इनका कोई भी स्तर अब नहीं रह गया।